पर तो थी। हाँ वही तो कह रहे, यही पर तो थी। कहाँ गई? मम्मी जी, क्या ऑन ऑफ का गेम चल रही है? जब हमें लग रहा है ना, जब हमें मजे ले लेके मारेगी। सच्ची कह रहे हैं सोना, थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद रखोगी तुम? जी जी, जब हमने आपसे पहले ही कही थी जब जिंदा लाओ मत करी, तो जब मनहूस है, आपने हमारी एक ना सुनी, खरीद लिया। जब भोगो आप, जब गौ से गधी गुड्डन की मम्मी की आत्मा ना जी यही जिंदा लाओ में भटक रही है, हमें परेशान कर दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आंगन में चलते हैं, मजे वही करेंगे। बिरला हाउस भूल गई क्या आप? अपना बिरला हाउस सरमा, हम तो कह रहे हैं आप भी चल लो हमारे साथ। चलो जी जी बोलो। चुप माँ। चिकू तुम? माँ मैं ये गुड्डन के लिए पायल लेने गया था। इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, बट ये निया यहां क्या कर रही है? जवाब दीजिए। मैंने कहा दीजिए जवाब। ये क्या कर रही है यहाँ पे? मैं देती हूँ जवाब अगस्त्य। मेरा गिल्ट मुझे यहाँ लेके आया अगस्त्य। टाइम के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुड्डन के साथ कितना गलत किया है, और ये सब जो हवन सामग्री है ना, ये मैंने किया है गुड्डन और बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए। हाँ चिकू, निया सही कह रही है, गुड्डन और बच्चे की सेहत के लिए हमने ये सब है ना सरुमा? हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना, तुम अगर यहाँ होते तो इन सब चीजों के लिए इजाजत नहीं देते, इसलिए तुम्हारी पीठ पीछे ही हमने ये। माँ तुम्हें सपोर्ट कर रही है, इसलिए आखिरी बार तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन इसे तोड़ने की या मेरी गुड्डन को हर्ट करने की कोशिश भी की या कोई प्लान भी चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो भूल जाओ उसे। तुम्हारा एक गलत कदम और मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा इस परिवार के साथ कभी कोई रिश्ता भी था, समझी? सबके सब कमरे में चलो अभी। चश्मिश, मुझे मिस किया? जब धीरे धीरे तुम्हारे हाथ रिकवर हुए ना, बहुत जल्द तुम्हारे पैर भी रिकवर हो जाएंगे। यू नो व्हाट, मैं डॉक्टर से ना बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक ऑयल लेके आया हूँ, और कुछ स्पेशल भी। डॉक्टर से नहीं, कहीं और से। मेरा मतलब है तुम खुद ही देख लो ना, लेकिन पहले आंखें बंद, सरप्राइज है।
जलो, कटो, मरो या स्वाहा हो, जो भी हो इनके साथ हो। मैं तो पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ। सरू बहू, यहां से तो भाग जाओगी, मगर अपने कर्मों से कैसे भागोगी? अब जब तक तुम्हें अपने किए कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। बचना चाहती हो तो कबूल करो कि तुमने कितना बड़ा पाप किया। कबूल करो कि तुमने एक बच्ची जो माँ बनने वाली है उसके साथ अत्याचार किया है, उसे मारने की कोशिश की है तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। कबूल करो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ कबूल करो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। कबूल करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान बचा लो मुझे, भगवान मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। कहाँ तक भागोगी सरू बहू? जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ हमें पाओगी। शक सही निकला। आइए मेरे साथ। अब बता भी दो, क्यों बुलाया है कि उसके लिए भी मुहूर्त निकलवाए हम? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे, अरे देख इनकी हालत बेचारी, इधर लाओ है। ये देखो है, जैन की लल्लन, मेरा मतलब है मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? और इनकी हालत तो देखो कितनी पिटी है बेचारी। सॉरी सरुमा, एक मिनट, सबूत चाहिए था ना आप लोगों को? ये देखिए खून। अब आप ही बताइए, क्या भूतों के खून निकलते हैं? उन्हें चोट लगती है, दर्द होता है? नहीं ना। अरे चुप हो जा, इसके बारा की देर जी, क्या कांडो रखा है तेरी की? अरे जीजी, जी तो खून दिख रहा है हमें। जी देखो, अभी भी कंफ्यूजन है। अरे मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मान लो कि वो गुड्डन ही थी। निया, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई है, सुबह आराम से बात करेंगे, जाओ सो जाओ सब। लेकिन जी हम नहीं सोएंगे अपने कमरे में, सच्ची कहने आपसे। जी प्लीज आज हमें आपके कमरे में सोने दीजिए। देखिए हम दोनों देवरानी जेठानी, आप हमारी जीजी, हम आपकी छोटी बहन। प्लीज जीजी प्लीज आज हमें अपने कमरे में सुला लीजिए। देखिए हम इतनी सी जगह में एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज जीजी, आप हमारी अच्छी जीजी है ना, आपको मेरी मम्मी की कसम, सोना को आज आपके साथ सोना है जीजी, प्लीज। ओहो उठ जाओ। हाँ जीजी, हाथ दीजिए
थैंक यू। बात बात पे तमाशा बना रखा है यहाँ। चलो सब चप्पल तो उठा लो। कितने अनलड़ हैं ये लोग, मान ही नहीं रहे। ये लोग भले ही गुट्टन के भूत वाले नाटक से घबरा गए हो, लेकिन मैं भी सब सच जानती हूँ और इसका स्टूपिड खेल मैं खुद खत्म करूंगी। लॉर्ड कृष्णा, हमारी बच्ची की मदद करो, उसे सुरक्षित रखो प्लीज। चारी गुड्डन, लेकिन जो भी कहो, नाइस पिक्चर्स। निया बोलो क्या हुआ? निया बोलोगी? क्यों बुलाया है? कुछ बोलने नहीं, दिखाने के लिए बुलाया। इसके बाहर आके डेट। अरे सरुमा, जो काम हम तीन न कर पाए जय अकेली छिपकली ने कर दिया। बेचारी गुड्डन, अब तक तो वो डूब भी गई होगी। दर्दनाक एंडिंग रही गुट्टन और अगस्त्य की लव स्टोरी की। सोना जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही कान में? सॉरी सर, जे हम तो डर गए भैया। अबे एक भूत ना जेला जा रही है यहाँ, दो दो भूत, मतलब बड़ी गुट्टन और छोटी गुट्टन, दो दो भूत, जाम से ना हो पाएगा। अबे ये क्या कांड कराई तू? कोई शराब है? कोई भूत नहीं है। आप तो बस हमारी जीत और उस गुट्टन की मौत को एंजॉय करिए। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। आगे खुलो बेटा, दीदी को मम्मा आ गई है तुम्हारी। आगे खुलो।
आगे बोलो, हमसे बात करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मामा आ गई है ना, आगे बोलो ना, आगे बोलो छोटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो बेटा मामा आ गई है ना छोटी। चढ़ाने दे किसी को, क्योंकि मुझे पता था कि आप हो और आप मुझे मिस भी करते हो, है ना? पता था मुझे, पता सब 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 मुझे गधी गधी बुलाते थे कि, लेकिन देखा मैं सही निकली और सब गलत। शायद लॉर्ड कृष्णा ने भी आज हमें इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इन हालातों में मुलाकात होगी। पर हम तुमसे बहुत गुस्से हैं। जब छोटी थी तब तो हर मुश्किल से सामना कर लेती थी, हाँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर भी आ जाती थी, तो फिर अब कैसे ये सब लोग तुम पर इतना हावी हो रहे हैं? कैसे बार 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 तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो शायद इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपके जैसी दिखती हूँ, पर आपके जैसा कॉन्फिडेंस, आपके वो अतरंगी तरीके, वैसा कुछ भी नहीं है मुझ में। गलती हमारी ही है, हमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए था, जिम्मेदारी थी हमारी। पर दुर्गा बहू ने भी तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। पता है बेटा, हम भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। हमारी माँ भी हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, पर फिर हमें जिंदल साहब मिले और उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया कि जिंदगी कब आसान हो गई पता ही नहीं चला। और जितना कुछ जिंदल साहब ने हमारे लिए किया ना, हम जानते हैं अगस्त्य तुम्हारे लिए करता है। पर आप तो रहेंगी ना साथ में? बिल्कुल, आज तक तुम्हारे पास ही तो थे, पर अब तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे और अपने सारे अतरंगी स्टाइल है ना, वो गुड्डनपन वाले, वो सब तुम्हें सिखा देंगे और फिर देखना सब प्रॉब्लम एकदम साफ। अब रोने का नहीं रुलाने का वक्त है छोटी, अपने दुश्मनों को मजा चखाने का वक्त है। देखना जब गुड्डन और छोटी गुड्डन मिल जाएंगे ना, तो ये एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बनकर सबको मजा चखाएंगे। जिस जिसने तुम्हें दुख दिया है ना, उन सबका बैंड बजाएंगे साथ में मिलकर। आज से तुम होगी अर्जुन और हम तुम्हारे सारथी कृष्ण, और ये अर्जुन कृष्ण की जोड़ी तुम्हारे ससुराल के हर चक्रव्यूह की उलझन को सुलझा के रहेंगे। दो दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। अब ये 48 घंटों में तुम्हारे खिलाफ चाल चलने वाले हर इंसान को सबक सिखाएंगे और उनसे उनका गुनाह कबूल करवा कर रहेंगे। वादा है तुमसे।
देखते जाओ। आपके अतरंगी तरीकों के बारे में सुना तो बहुत था, अब तो देखने को भी मिलेगा। मामा मामा यहाँ पर क्या है? इतने में खुश मत हो जाओ, अभी एक बहुत ही दिलचस्प चीज तो दिखानी बाकी है। जवाब उसके पास है। जय में तो कुछ नहीं दिख रही है, मैं कहाँ है? हाँ? है, पर तुम लोग नहीं देख सकते। साथ है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब देखना बच्चों, जब हम माँ बेटी की डबल टीम मिल जाएगी ना, तो क्या सबक सिखाएंगे तुम सबको? तुम हो कौन? हम हैं काली, भूत प्रेत आत्मा सबको भगाने वाली। काली, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि इस घर में भूत है? सच बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? सच बोलना। चुप रहिए सरुमा। काली बहन, आप सही टाइम पर आई हैं। भगवान आपका भला करे। हम आपको दिखाते हैं इस घर के कौन कौन से कोने में भूत है। एक भूत ही नहीं, बहुत सारे। अभी लेके जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या कर रही हैं आप? सोना, हटिए। अरे दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। हे माँ, I'm back. क्या हो रहा है माँ? और ये आंटी कौन है? हम आंटी चिकू, ये केयर टेकर है। गुड्डन के लिए बुलाया है हमने। उसकी मालिश, एक्सरसाइज, खाना पीना, हर चीज यही संभालेंगे। थैंक यू सो मच माँ, आप सच में ना गुड्डन का बहुत ध्यान रख रही हैं। थैंक यू। ख्याल तो रखेंगे ना चिकू, तुम्हारी बीवी जो है, और तुम्हें जितनी प्यारी है हमें भी उतनी ही प्यारी है वो। ये शातिर औरत तो हमसे भी अच्छी एक्टर निकली। इसे तो हमारी तरह फिल्म लाइन में होना चाहिए था। पर अफसोस अगस्त, तुम्हारी माँ रीमा लागू नहीं बिंदु। और अगर तुम्हें बात जल्द समझ नहीं आई ना, तब तो हम है ही समझाने के लिए। माँ, ये मेरी चश्मिश का है। एक्चुअली प्रसाद लाया था, उसे दे आता हूँ। एक मिनट,
लाओ, हम दे आते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद दे दूंगा। समझा कीजिए, वो गर्भवती है और आप बाहर से आए हैं, पहले हाथ मुंह धो लीजिए फिर मिल लीजिए। You're right actually. ये लीजिए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थैंक यू। बच गए। जी बेटे से, लेकिन भूत अभी भी आप सबके पीछे है। कल सुबह 4 बजे भूत भगाओ पूजा होगी, आप सभी को शामिल होना होगा। क्या? ये सामग्री तैयार रखिएगा। जी कौन सा नया कार्यक्रम लिया है? लिस्ट देखिए जरा। होगी तेरी माँ, अगर इस भूत आत्मा से बचना चाहती हो ना तो हमें आंटी मत बोलो ना। माफ करिए बहन जी, गलती हो गई, आप कुछ भी करके बचा लीजिए, हमें इस भूत से छुटकारा दिला दीजिए। प्लीज। उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। इधर उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। तुझे इस पोटली में आना ही होगा। चल इधर उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। इस पोटली में समा जा। नहीं आऊंगी, तुम सबको मारूंगी, एक एक को मारूंगी। ये गुड्डन का भूत ना हम सबको मार डालेगा। हमारे मंत्रों की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। चल जल्दी से हमारी बात मान और हमारी पोटली में समा जा। चल नहीं आऊंगी, तो अगर इस पोटली में नहीं आई तो हो जाएगी तितर बितर। चल बात मान, हमारी हमारी पोटली में आना ही होगा। चल नहीं। आज तक ऐसा कोई भूत नहीं जो काली के मंत्रों के सामने टिक पाए। आ
आ गई ना हमारे कब्जे में। आप तो बड़ी ताकतवर हैं। ए, बहुत मचल रही है। हाँ आओ बांधो इसे, बहुत देर तक इस शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे हम। बहन जी देखिए, हम तो बंद नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज। एनिया तू बंद कर चल। अरे मैं क्यों भरू भाई, मम्मी से आप कीजिए ना प्लीज। जी मौके की नजाकत क्यों समझिए, अरे यहाँ हम सब में हिम्मत वाली तो आप ही है ना, तो आप ही पोटली बंद करिए प्लीज। है जाइए। तुमने हमें धक्का कैसे दिया? अरे बेवकूफ औरत, यहाँ सबको जान की पड़ी है और तुझे तुझे धक्के की पड़ी है, हद हो गई है। बदतमीज। जितनी इज्जत चाहिए सुबह ले लेना, जब जान बच जाएगी समझी। अभी ये पोटली बांधो। आओ जल्दी। छटपट आ रही है, जल्दी बांधो भाग जाएगी।